एवरीवन, इस टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रिकल मशीन का, दैट इज इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वाट मीटर रीडिंग। ठीक है, हम पावर फैक्टर इसमें लेंगे लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब हमारा जो लोड होगा इन द थ्री फेज बैलेंस लोड, दैट इज इंडक्टिव लोड। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में टू वाट मीटर मेथड कवर किया था, उसमें से पावर फैक्टर की रीडिंग निकाली थी हमने, दैट वॉज कॉस पाई इज इक्वल टू कॉस मल्टीप्लाई बाई टेन इनवर्स then multiply by root 3 wattmeter 1 minus wattmeter 2 over wattmeter 1 plus wattmeter 2। ठीक है, ये हमने रीडिंग निकाली थी, तो हम वो चीज नहीं आज डिस्कस करेंगे, हम करेंगे पावर फैक्टर का इफेक्ट क्या आ रहा है ऑन टू वाटमीटर्स। जो हम टू वाटमीटर मेथड में दो वाटमीटर्स ले रहे हैं, दोनों वाटमीटर की रीडिंग में क्या डिफरेंस आएगा अगर पावर फैक्टर वेरी होगा। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर लेंगे हम, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो वाटमीटर्स है उसकी रीडिंग क्या आ रही थी, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। वाटमीटर वन की रीडिंग हमारे पास आई थी VL IL cos 30 माइनस 5। ठीक है, और वाटमीटर टू की हमारे पास जो रीडिंग आई थी दैट वाज VL IL cos 30 डिग्री प्लस 5। तो ये हमारे पास दो वाटमीटर्स थे जिसकी हमें जो है रीडिंग्स हमारे सामने आई थी, राइट। तो हम आज क्या करेंगे, अब इसमें हम अगर इस दोनों रीडिंग्स को देखें, इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो लाइन वोल्टेज, एक लाइन करंट और एक कॉस फाइव, दैट इज पावर फैक्टर, जो कि रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट में था। अब बेसिकली ये जो फाइव है ना, ये वेरी हो सकता है, बाकी चीजें तो सारा कुछ कांस्टेंट होगी, 30 डिग्री भी कांस्टेंट है, वी एल आई एल वो एक बार जो दे दिया वो कांस्टेंट ही आएगा अकॉर्डिंग टू द लोड, बिकॉज लोड इज नॉट चेंजिंग, बट हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, दैट कैन बी एंगल। ठीक है, तो एंगल चेंज होने से पावर फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। अब वो एंगल कैसे, हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे, वी विल टेक द फाइव डिफरेंट केसेस में हम अलग अलग पावर फैक्टर लेंगे, और अलग अलग पावर फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमारी जो वाटमीटर वन और वाटमीटर टू की रीडिंग है वो हम देखेंगे कैसे वेरी होगी। तो फर्स्ट केस जो ले रहे हैं, फर्स्ट केस वन, उसमें हम पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी ले रहे हैं, व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ लोड is unity। अब पावर फैक्टर है वो जीरो से वन तक वेरी कर सकता है, मैक्सिमम पावर फैक्टर रेंज इज वन एंड मिनिमम इज जीरो, तो हम उसको यूनिटी, यूनिटी मींस वन ले रहे हैं। पहले केस में cos phi इज इक्वल टू वन, पावर फैक्टर इज cos phi, तो cos phi को हम ले रहे हैं वन। अब cos phi वन कब होता है, हमें जो ये cos phi होता है, ठीक है, ये वन कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग में एंगल कौन सा होता है, जीरो डिग्री। That means जब phi is equal to zero degree होगा, उस टाइम पे हमारा cos phi जो है that is equal to one होता है। ठीक है, हम इस phi is equal to zero degree को put करेंगे इन दोनों equations में। ठीक है, तो जब हम equations में इसको put करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे wattmeter readings will be, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ wattmeter readings will be, पहले की क्या आएगी, उसमें पुट करो पाई को जीरो, वो मेरे पास आएगा वी एल आई एल कॉस 30, 30 माइनस जीरो इज 30, और जो वाटमीटर टू है उसकी रीडिंग आएगी वी एल आई एल कॉस 30, दोनों की सेम आ गई। ठीक है, बिकॉज पाई इज इक्वल टू जीरो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसपे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज यूनिटी और वन। ठीक है, व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज यूनिटी और वन, एट दैट टाइम बोथ द वाटमीटर विल गिव द सेम रीडिंग, उस टाइम पे दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी सेम। ये आपने एक केस याद रखना है, राइट। नेक्स्ट केस स्टडी करें, केस नंबर टू,
इसमें हम पावर फैक्टर ले रहे हैं 0.5 व्हेन पीएफ ऑफ लोड इज 0.5, ठीक है, दैट मींस कॉस फाइव इज इक्वल टू 1/2 और 0.5, ये है। और जब कॉस फाइ 1/2 कब होता है, जब फाइ इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, मतलब कॉस 60 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2। तो हमने इसमें इस टाइम पे फाइ की वैल्यू क्या ली है, 60 डिग्री, वो पुट करेंगे दोनों वाट मीटर में, दोनों वाट मीटर में जब पुट करेंगे तो वाट मीटर वन की वैल्यू क्या बनेगी, वी एल आई एल कॉस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट। और वाट मीटर टू की क्या बनेगी, वी एल आई एल कॉस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये बन गया। अब इसको इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास आएगा जो ये 30 माइनस 60, ये हमारे पास आ गया वी एल आई एल कॉस माइनस 30, राइट। अब माइनस 30 इज इक्वल टू 30 होता है हमारा जो है, दैट इज जो हमारा कॉस माइनस कॉस 30 विल बी इक्वल टू कॉस 30 होगा एज पर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा कॉस 30 सिंपल, ठीक है। और ये 30 प्लस 60 ये क्या बन गया, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है, कॉस वी एल आई एल ये आ गया मेरे पास कॉस 90 डिग्री। जब कॉस 90 डिग्री हमारा यहाँ पे, ये हमारा 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, ठीक है, कॉस 90 होगा हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो कॉस 90 इज इक्वल टू होता है 0, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री का वो याद रखिए फॉर्मूले, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होगा हमारा, तो उस टाइम पे ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो मेरी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, बिकॉज दिस कॉस 90 इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई होगा वी एल एंड आई एल से, उस टाइम पे क्या होगा। हेंस वी कैन से दैट व्हेन पीएफ इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, वन ऑफ द वाट मीटर, एक वाट मीटर जो है जो कि वाट मीटर टू, दैट विल गिव द जीरो रीडिंग, एक वाट मीटर की जीरो रीडिंग आएगी, और जो दूसरा वाट मीटर है वो टोटल पावर देगा हमारी पूरे थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। हमें पता है जब पावर इज इक्वल टू वाट मीटर वन प्लस वाट मीटर टू होता है, अब वाट मीटर टू है वो तो जीरो रीडिंग दे रहा है, मतलब सारी जो रीडिंग आएगी वो किसमें आएगी, दैट इज इन द वाट मीटर वन, ठीक है। कब, जब पावर फैक्टर हमारा 0.5 होगा, जब 1 होगा तो दोनों की सेम आएगी, डिवाइड होगी और सेम हो जाएगी। जब पावर फैक्टर हमारा 0.5 हो गया तो वाट मीटर 1 जो है वो पूरी रीडिंग देगा और वाट मीटर 2 की रीडिंग विल बी 0। दिस वाज आवर केस 2। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे केस 3 की तरफ। केस 3 में हम पावर फैक्टर लेंगे व्हेन द पावर फैक्टर इज मोर देन 0.5 more than 0.5 and less than 1, मतलब जो पावर फैक्टर है वो लाई कर रहा है 0.5 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक है। दैट मीन्स उस टाइम पे जो phi की वैल्यू होगी दैट लाइज बिटवीन 0 टू 60 डिग्री, ठीक है, बिकॉज जो 1 कब होगी, जब 0 डिग्री होगा, और 0.5 कब होती है, जब 60 डिग्री होगा कॉस का। तो फाई की वैल्यू अब 0 से ज्यादा है, दैट टाइम 0 डिग्री से ज्यादा फाई की वैल्यू, और 60 डिग्री से कम होगी, उस टाइम पे हम जो है इसकी रीडिंग्स चेक करते हैं। तो अंडर सच कंडीशंस उस टाइम पे जो वाट मीटर 1 होगा वो हमें रीडिंग देगा वी एल आई एल कॉस 30 डिग्री माइनस 5, विच विल बी पॉजिटिव एंड लार्जर
और जो वाट मीटर की रीडिंग आएगी दैट विल बी वी एल आई एल कॉस 30 + 5 दैट इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर। ये कैसे होगा हम अभी निकाल के देखते हैं। हम अब मान लो इस पाई को 30 ले रहे हैं, ठीक है, 0 और 60 के बीच कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 30 ले रहे हैं, तो 30 - 30 = 0, 30 - 30 = 0, cos 0 कितना होता है, दैट इज 1, मतलब इसकी जो रीडिंग आएगी वो 1 मल्टीप्लाई होगा वी एल आई एल के साथ कोई भी जो होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे 30 लेंगे तो दैट विल बी 60 जो बन जाएगा 0.5 cos 60 = 1/2। अब इसकी रीडिंग W1 से हाफ हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस 1/2, ठीक है, वो उससे हाफ होगी, दैट मीन दोनों की आएगी पॉजिटिव बट उसमें से ज्यादा किसकी आएगी, बी डब्ल्यू वन की हमेशा लार्जर होगी और डब्ल्यू टू की हमेशा स्मॉलर होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ इस केस से आउटपुट निकाली है, राइट, ठीक है जी, दोनों की होगी पॉजिटिव, ये आपने याद रखना है। व्हेन द पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0.5 to 1 बोथ वाट मीटर विल गिव द पॉजिटिव रीडिंग बट W1 विल गिव द लार्जर रीडिंग एंड W2 विल गिव द स्मॉलर रीडिंग, ठीक है जी। अब नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं, केस 4। केस 4 में हम क्या लेंगे, व्हेन द पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5 less than 0.5 and more than 0, ठीक है, मतलब जो है हमारा 0 से ज्यादा cos 5 और 0.5 से कम होगा। ऐसा कब होगा, जब cos 5 जो है वो 60 डिग्री से ज्यादा और जो एंगल है 90 डिग्री से कम, बिकॉज cos पाई जब 90 होगा तो 0 हो जाता है और जब 60 होगा तो 0.5 होता है, इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, मतलब जब पाई की वैल्यू 60 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होगी उस टाइम पे वो कह रहा है कि वाट मीटर रीडिंग की क्या आएगी, उस टाइम पे हमारी जो वाट मीटर की रीडिंग होगी दैट विल बी W1 विल गिव द रीडिंग VL IL cos 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस 5, उस टाइम पे इसकी रीडिंग आएगी पॉजिटिव एंड लार्जर एंड द अदर वाट मीटर विल गिव द रीडिंग VL IL cos 30 + 5 और उसकी रीडिंग आएगी नेगेटिव और स्मॉलर, ये आपने याद रखा। कैसे आएगी एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल जो रीडिंग ले रहे हैं दैट इज फॉर एग्जांपल 75 ले रहे हैं, ठीक है, अब 75 ले रहे हैं तो 75 की यहाँ पे वैल्यू जो लेंगे दैट इज 30 - 75 वो होगा -45, ठीक है, -45 मतलब +45, cos माइनस cos प्लस सेम होगा, cos 45 की जो वैल्यू आएगी दैट इज राउंड अबाउट, वेट मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैं जो डायग्राम है वो सामने लेके आ रहा हूँ अपने, दैट रीडिंग विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू, राइट, cos 45 will it is equal to point for जो 45 होता है that is equal to 0.5253, ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा और जो cos यही मैं 75 इधर ऐड करूँ तो cos मेरे पास बनेगा 105, तो उसकी रीडिंग आ रही है मेरे पास -0.24, cos 105 की मेरे पास रीडिंग आ रही है
-0.2409। अब ये चीज जो है 105, ये हम यहाँ पे फिल हो रहा था बिकॉज 30 + 75, हम 60 और 90 के बीच में ले रहे थे वैल्यू, तो ये 105 आ गया। 105 की वैल्यू है पॉइंट -0.2409। ये जब मल्टीप्लाई होगी यहाँ से तो ये वैल्यू विल बी नेगेटिव और वो कम होगी इससे, ठीक है, इस W1 से। तो हैंस प्रूव्ड कि जब व्हेन एवर द पावर लोड लाइज बिटवीन 0 to 0.5, एट दैट टाइम द वाट मीटर विल गिव द पॉजिटिव एंड लार्जर वैल्यू एंड द वाट मीटर विल गिव वाट मीटर टू विल गिव नेगेटिव एंड स्मॉलर वैल्यू, राइट। दिस वॉज केस फोर। अब हम लास्ट केस लेंगे, दैट इज केस फाइव। एट दैट टाइम द पावर फैक्टर इज जीरो, ठीक है, cos phi इज इक्वल टू जीरो। ये अभी तक हमने नहीं लिया। cos phi इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब phi इज इक्वल टू 90 degree, ठीक है, cos 90 degree इज इक्वल टू जीरो होता है। अब ये चीज हम उसमें पुट करेंगे, वाट मीटर वन की रीडिंग क्या आएगी, VL IL cos 30 - 90, राइट। स्क्रीन बंद हो जाती है तो थोड़ा सा रिफ्रेश करना होता है, तो ये मेरे पास आ गया 30 - 90 degree। वाट मीटर टू की रीडिंग क्या आएगी, VL IL cos 30 degree + 90 degree, राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, VL IL cos 60 degree, ठीक है, माइनस और प्लस एक ही होते हैं इसमें cos में, तो ये हमारे पास आ गया cos 60 degree, और ये जो वैल्यू आएगी 60 degree 1/2, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, मतलब 1/2 इज इक्वल टू, ये आएगी वाट मीटर वन। वाट मीटर टू की क्या आएगी, VL IL cos 120, और cos 120 की जो रीडिंग होती है दैट इज -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज इन नेगेटिव बट -1/2 VL IL। हेंस द रिजल्ट शोज कि व्हेन एवर द पावर फैक्टर इज जीरो, व्हेन एवर द cos phi इज इक्वल टू जीरो और द phi इज इक्वल टू 90 degree, at that time the readings of two watt meter will be equal but opposite in sign, dono ki reading same aayegi but ek positive ka show karega ek negative show karega, theek hai। to ye 5 case hai। pehle case mein humne jab yahan se dekhiye, हमने पहले केस में पावर फैक्टर को 1 लिया था, उस टाइम पे जो वाट मीटर की रीडिंग आई थी दोनों की सेम आई थी, दोनों की इक्वल आई पॉजिटिव। दूसरे केस में हमने पावर फैक्टर को 0.5 लिया, उस टाइम पे जो वाट मीटर 2 है उसकी रीडिंग 0 आई थी और वाट मीटर 1 की रीडिंग सारी टोटल आई थी, मतलब टोटल पावर विल बी गिवन बाय वाट मीटर 1। जब पावर फैक्टर की वैल्यू हमने 0.5 से ज्यादा और लेस देन 1 ली, उस टाइम पे वाट मीटर 1 की रीडिंग पॉजिटिव एंड लार्जर, वाट मीटर 2 की रीडिंग पॉजिटिव एंड स्मॉलर है। नेक्स्ट केस में पावर फैक्टर हमने 0 से ज्यादा 0.5 से कम लिया, उस टाइम पे वाट मीटर 1 की रीडिंग पॉजिटिव एंड लार्जर और वाट मीटर 2 की रीडिंग नेगेटिव एंड स्मॉलर है, राइट। एंड लास्ट केस में जब पावर फैक्टर हमने 0 लिया, उस टाइम पे दोनों की वाट मीटर की रीडिंग इज सेम बट ओपोजिट इन साइन, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और दूसरा वाट मीटर नेगेटिव है, और ये चीज हम प्रैक्टिकल में भी प्रूव करेंगे, राइट। लैगिंग पावर फैक्टर लेंगे हम इंडक्टिव लोड, उस टाइम पे हम जो ये पावर फैक्टर का जो है हमारा वो हम वहां पे प्रूव करेंगे कि कैसे पावर फैक्टर चेंज होने से वाट मीटर रीडिंग्स चेंज हो रही है। हाउएवर द टोटल पावर विल बी, जो हमारे पास टोटल पावर आएगी वो हमेशा यही आएगी वाट मीटर 1 + वाट, दोनों को ऐड करेंगे तो वही टोटल पावर गिनी जाएगी हमेशा, बट वाटमीटर 1 और 2 की आपस में रीडिंग चेंज आती रहेगी, ठीक है, जैसे जैसे हम वाटमीटर सॉरी पावर फैक्टर को चेंज करेंगे। सो दिस वाज आवर टॉपिक, इफेक्ट ऑफ
पावर फैक्टर ऑन वाट मीटर रीडिंग, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अपनी कॉपी पे 5 पेज जो है वो साथ साथ में लिख लीजिए, कुछ नहीं समझ आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इसको लेक्चर में। राइट, थैंक यू सो मच।